भोपाल स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर महापौर सक्रिय, शहर में रोजाना कर रही दौरे। मंगलवार को पुराने भोपाल का किया दौरा, निगम दरोगा को लगाई फटका। इंदौर महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना का किया गया प्रचार प्रसार, जागरूकता वाहन रैली निकाली गई, जगह जगह शिविर लगाने की भी योजना। छिंदवाड़ा में नकुलनाथ सारंग बिहरी गांव पहुंचे, आम सभा को किया संबोधित, कांग्रेस की सरकार बनने पर कई वादे, 500 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर। साजापुर में द केरला स्टोरी को साजापुर में मिला अच्छा रिस्पॉन्स, मूवी की हो रही फ्री स्क्रीनिंग। हिंदू जागरण मंच ने मुफ्त में दिखाई फिल्म, बड़ी संख्या में लड़कियां और महिलाएं हुई शामिल। इंदौर मौसम में आया परिवर्तन, तापमान में लगातार वृद्धि, 43 डिग्री तक बढ़ेगा तापमान, मौसम रहेगा साफ। नरसिंहपुर प्रदेश में नारी सम्मान योजना का हुआ शुभारंभ, आज से भरे जाएंगे फॉर्म, घर घर जाकर महिलाओं से करेंगे मुलाकात, जानकारी देने के बाद कार्यकर्ता भरवाएंगे फॉर्म। चित्रकूट में आरोपी का गुनाह पड़ा परिवार पर भारी, प्रशासन ने चलाया आरोपी के घर पर बुलडोजर, आरोपी के भाइयों के घर भी हुए ध्वस्त, परिवार हुआ फेंका। खरगोन में बस हादसे में अव्वल मध्य प्रदेश, अब तक जा चुकी है कई जाने, आरटीओ की लापरवाही आती है सामने, जान की कीमत बन गई बस मुआवजा। छतरपुर कांग्रेस ने नारी सम्मान योजना किया लॉन्च, 1500 रुपए प्रतिमा दिए जाएंगे, कांग्रेस की सरकार बनने का दावा, 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर मिलेगा। नीमच में रिहायशी इलाके में मोबाइल टावर लगाने का हुआ विरोध, बोहरा कॉलोनी के रहवासियों ने दिया ज्ञापन, लोगों का कहना है कि रेडिएशन का होगा खतरा, अधिकारियों ने दिया कार्रवाई करने का आश्वासन। जबलपुर में पूर्व मंत्री अनिल पैसवार द्वारा कांग्रेस के वचन पत्र को बताया नारी सम्मान योजना शुरू, 500 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर। जबलपुर जन सेवा अभियान का शुभारंभ 10 मई से 25 मई तक चलेगा, 80,000 हितग्राही होंगे लाभान्वित, प्रशासन के द्वारा व्यापक तैयारियां जारी। भोपाल में एटीएस और एआईए टीम की कार्रवाई, संदिग्ध आतंकियों को हिरासत में लिया, इस्लामी संगठन हिजबुल तहरीर के आतंकी कई शहरों में दी साथ दबिश। भोपाल में 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस हर साल किसी एक राज्य में मनाते हैं, इस बार मध्य प्रदेश में मनेगा, बालाघाट में आयोजित हुआ कार्यक्रम। ग्वालियर में 20 दिवसीय समर कैंप का आयोजन, टीआईजी कृष्णा वेणी ने अनुभव साझा किया, राइफल शूटिंग प्रशिक्षण दिया, कई खेलों का प्रशिक्षण भी देंगे।